नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। नगर पंचायत मक्खनपुर कार्यालय पर शुक्रवार को 12 बजे नगला तुरकिया निवासी लोगों ने कार्यालय का घेराव कर लिया। महिला एवं पुरुषों का कहना था कि हमारे मकान अवैध बताकर हमें 3 नोटिस भेजे गए हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि आपके द्वारा साला तालाब के किनारे सभी अवैध अतिक्रमण करके मकान बना लिए हैं, जिन्हें हटाया जाना होगा। लोगों का कहना है हमारे पास मकानों की जमीन के बैनामा है, फिर भी हमें नोटिस जारी करके हमें अतिक्रमणधारी घोषित किया जा रहा है। इस बात से कुपित होकर लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय पर अधिशासी अभियंता एवं कार्यालय का घेराव कर लिया। इस संबंध में महिला एवं पुरुषों ने कहा कि जब तक हमारा निर्णय नहीं हो जाता तब तक हम कार्यालय पर ही रहेंगे। इधर अधिशासी अभियंता TGT परीक्षा में होने के कारण उनको समझाया नहीं जा सका। आपको बताते चलें, लोगों का आरोप है कि उनको जबरदस्ती मकानों से बेदखल करने की कार्यवाही अधिशासी अधिकारी द्वारा की जा रही है, जो कि गैर कानूनी है। नोटिस की कॉपी हाथ में लेकर महिला एवं पुरुषों ने कार्यालय में धरना देना प्रारंभ कर दिया। वहीं इस संबंध में अधिशासी अधिकारी का कहना है कि जिन लोगों के बैनामा है, कागजों पर दर्ज जमीन से अतिरिक्त जमीन पर उन्होंने अतिक्रमण करके मकान बनाए हैं, सिर्फ उसी को खाली कराया जाएगा। प्रशासन द्वारा टीम गठित की जाएगी, जिस टीम के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा। किसी को बेघर करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। मामला ये है कि जो तालाब की जगह है ना, उसमें जो तालाब के पास में लोग हैं, उनको सारे लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कितनी बार नोटिस जारी किए थे? ये आखिरी बार और तीसरी बार नोटिस दिया गया है। तो यहाँ पर कब आज आए हैं? उससे पहले भी आए थे? हम 2 बार आ चुके हैं। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो बैनामा है और आप पुश्तैनी लोग रह रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगा। फिर भी हम पे तीसरी बार नोटिस पहुँचा है। ये वाला मिला है हमको 9 तारीख को, उससे पहले मिला था, 3 नोटिस आ चुके हैं हमारे पास। अधिकारी के पास गए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। ज्ञापन तो दे दिया था मगर मुलाकात नहीं हो पाई थी। कार्रवाई कुछ नहीं है और हम 1.5-2 सालों से रह रहे हैं। पुश्तैनी जमीन है हमारी। हम मक्खनपुर नगला तुरकिया से हैं। सरकार के द्वारा जो नगर पंचायत से हमें नोटिस मिला है कि यानी कि 3 दिन के अंदर आप मकान खाली कर दीजिए, नहीं तो आपका घर तोड़ दिया जाए। हमें नोटिस पे नोटिस दिया गया है। किसके कारण नोटिस दिया गया था? नगर पंचायत अधिकारी ने, वो पोखर के कारण। तो आपके कोई प्रूफ है इसमें? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है सर, हम 7 पीढ़ियों से रह रहे हैं। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।